हेलो गाइस, दिस इज अदिल एंड यू आर वाचिंग एमडी अदिल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर के बारे में। दोस्तों, रिलायंस जियो फाइबर को पिछले साल सितंबर में व्यावसायिक तौर पर रोल आउट किया गया था। हालांकि जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस से यूजर की जितनी अपेक्षा थी वो उम्मीदों पर उतनी खड़ी नहीं उतर पाई। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें प्लान की दर से लेकर स्पीड कैंपिंग तक शामिल हैं। जियो फाइबर का मंथली प्लान 699 रुपये से शुरू होता है और 8,499 रुपये तक जाता है, जिसमें यूजर को 100 Mbps से लेकर 1 GB तक की डेटा की स्पीड का लाभ मिलता है। जियो फाइबर के साथ ही अन्य ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर भी ऐसे प्लान यूजर को ऑफर कर रही हैं। अब कंपनी ने अपने यूजर के लिए नया एड ऑन प्लान पेश किया है। इस प्लान को नॉन स्टैंड लोन प्लान के तौर पर पेश किया गया है। इस प्लान को यूजर पहले चल रहे मंथली प्लान के साथ एड ऑन के तौर पर ले सकते हैं। इस समय देश में कोरोना वायरस की महामारी की वजह से ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे में लोग डाटा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये एड ऑन प्लान लोगों को राहत दे सकता है। जियो फाइबर का ये प्लान 199 रुपये में पेश किया गया है। इस प्लान में यूजर को 7 दिनों तक वैलिडिटी मिलती है और इसमें 1 TB यानी 1024 GB डाटा का लाभ मिलता है। इस एड ऑन प्लान की खास बात यह है कि इसमें यूजर को वही डाटा स्पीड मिलती है जो उसके मंथली प्लान के साथ ऑफर किया जाता है। जियो के 699 रुपये वाले बेसिक प्लान में यूजर को 100 Mbps की डेटा से स्पीड का ऑफर किया जाता है। इसमें यूजर को 200 GB तक की डेटा की लिमिट मिलती है। अगर कोई यूजर इस एड ऑन प्लान को ऐड करता है तो उसे 200 GB के अतिरिक्त 1024 GB तक का डाटा 100 Mbps की स्पीड के साथ ऑफर किया जाता है। सो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।